सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको Redmi k20 का PUBG गेम प्ले दिखाने वाला हूं। उसके साथ साथ हम इस फ़ोन के अंदर बेंचमार्किंग स्कोर भी परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि फ़ोन का जो ओवरऑल बेंचमार्किंग स्कोर है वो कितना आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ोन का जो वेरिएंट है वो है 6GB 128GB वाला। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इस फ़ोन में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और इस प्रोसेसर को कंपेयर किया जा रहा है क्वालकम स्नैपड्रैगन 845 से, जो कि 2018 का एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर था। उसके साथ यार, इस फ़ोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 10 का लेटेस्ट स्टेबल रोम देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉयड पाई पे बेस्ड है। और उसके साथ जो MIUI 11 का अपडेट है वो बहुत ही जल्दी इस फ़ोन में आने वाला है। हो सकता है जब भी फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो तो MIUI 11 के साथ ही लॉन्च होगा। चलिए, अब इस फ़ोन के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे बेंचमार्किंग स्कोर जो है इसका टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इस फ़ोन का जो ओवरऑल बेंचमार्किंग स्कोर है वो कितना आता है। तो यार, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फ़ोन का जो ओवरऑल एंटूटू स्कोर आया है वो आया है 217,617। जी हाँ, 218,000 के आसपास इस फ़ोन का ओवरऑल एंटूटू स्कोर रहने वाला है। चलिए, अब हम इस फ़ोन के अंदर पबजी गेम प्ले करने वाले हैं और देखेंगे कि ये फ़ोन जो है पबजी गेम प्ले के दौरान किस तरह से परफॉर्म करता है और इस फ़ोन के अंदर आपको किन सेटिंग्स में पबजी जो है आप प्ले कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पबजी मैंने स्टार्ट कर दी है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि इस फ़ोन में पबजी जो है वो चलता है यहाँ पर सिर्फ HD और हाई सेटिंग्स के अंदर, जो कि आपको स्नैपड्रैगन 675 में भी मिलता है और 710 में भी मिलता है, लेकिन 730 में भी सेम वही मिलता है Redmi K20 के अंदर। मुझे नहीं पता क्यों इसमें HDR में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेसर जो है वो HDR हाई फ्रेम रेट में आराम से इस गेम को प्ले कर सकता है। लेकिन फिर भी Redmi वालों ने इसमें यार मैक्सिमम सेटिंग्स जो है वो अवेलेबल नहीं कराई। हो सकता है अपडेट के बाद करा दें। तो यहाँ पर जो गेम प्ले आप देखेंगे वो आपको बहुत ही स्मूथ यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, गेम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही स्मूथली यहाँ पे प्ले हो रहा है। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी गेम को प्ले करने में, कंट्रोल्स वगैरह सब आसानी से हैंडल हो रहा है। और टच स्क्रीन तो मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है। और व्यूइंग एंगल्स वगैरह सब आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं अगर आप पबजी प्ले करते हैं तो। यार, पबजी के हिसाब से ये फ़ोन जो है वो बहुत ही अच्छा है। बस HDR की सेटिंग जो है वो अवेलेबल हो जाए तो यार एक नंबर ये फोन हो जाएगा। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 845 को तो यार आराम से टक्कर दे ही देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ और भी प्रोसेसर की, जैसे 675 हो गया या फिर 710 हो गया, तो उसको आराम से ये बीट कर देगा फोन। तो यार, अब अगर हम बात करें इस फोन के इंडिया लॉन्च डेट के बारे में या फिर इंडिया के अंदर कब आने वाला है फोन, तो यार अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन या फिर न्यूज़ वगैरह निकल कर नहीं आई है इस फोन के इंडिया लॉन्च को लेकर। लेकिन बहुत ही जल्द ये फोन जो है वो इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि चाइना वालों से ज़्यादा इंडिया वाले इस फोन का वेट कर रहे हैं कि फोन जो है वो इंडिया में लॉन्च हो जाए। तो यार, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से बताना, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।